मेट्रो से मैं रश्मि पांडे, जालौन से खबर। सर्द हवाओं और ठंड से जहां आम जनमानस प्रभावित हो रहा है, ऐसे में जनपद जालौन की विभिन्न गौशालाओं से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहे हैं जिम्मेदार। देखिए खास रिपोर्ट देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। सर्द मौसम और कोहरे में जहाँ एक ओर आम जनजीवन बेहाल है, अस्त व्यस्त है, ऐसे में निराश्रित गौवंशों की हालत देखने लायक। जनपद जालौन की अगर हम बात करें तो जनपद जालौन की विभिन्न गौशालाओं से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हृदय विदारक है, क्योंकि वहाँ पर ठंड से बचावने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। बहुत सी गौशालाओं से ऐसी तस्वीरें आती हैं जहाँ कुत्ते जो है गौवंशों को जिंदा नोचते नजर आते हैं, उनके अवशेषों को नोचते नजर आते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि जहाँ पर गायों के शवों को देख कर लोग जो है विचलित होते हैं। फिर से हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं। एक तस्वीर हमारे पास जनपद जालौन के लोना गांव से सामने आई थी। हमारे साथी मित्र वहां गए थे, उन्होंने वहां से तस्वीरें दी थी हमें जो हृदय बता थी। लेकिन हालांकि उस पर प्रशासनिक अमले का एक्शन तुरंत हुआ था, वहां JCP से जाकर उन गौवंशों को दफनाया गया था। लेकिन अब कुछ तस्वीरें हमारे पास जखा गाँव से आ रही हैं, कुछ हरसिंहपुर गौशाला से आ रही हैं, कुछ कुठौन क्षेत्र की और जो समीपवर्ती गौशालाएँ हैं वहाँ से सामने आ रही। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि आखिर इन गौवंशों के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अमला एक और जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, गौवंशों को बसाने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस पर पूरी पहल पर जो है गौर किए हुए हैं। गौवंश संरक्षण एक पूरा का पूरा एक बनाया हुआ है, एक मुडम बनाया हुआ है, उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आना आखिर क्यों? कौन इसके लिए जिम्मेदार? क्या जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है कि जहाँ कुछ ना कुछ प्रशासनिक आँखों से यानी थर्ड आई से जो प्रशासनिक आँख है वहाँ से कुछ छूट रहा है? सवाल बड़ा है, जवाब आने अभी बाकी है, क्योंकि इस तरीके से अगर गौवंशों की दुर्दशा और मौत होती रही तो निश्चित तौर पर एक दिन ये जनपद जालौन गौवंश विहीन होने को। ऐसे में हम अपने ज़िले के आला अधिकारियों से ये अपील करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि ऐसी तस्वीरें दोबारा से सामने ना आए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। नमस्कार। और एक लगोड़ी मखना ही है। अरे एक तो बड़ा डरी हुआ है, या जान पिछाई हुआ बेटा, मैं तो कुत्ता खाने भी खाएगा नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं जालौन में, तो मैं आपका अपना सौरभ पांडे क्रॉली। एक और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया
योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लाखों करोड़ों खर्च करके गौ संरक्षण के लिए हर गांव-गांव गौशाला बनवाई जा रही, वहीं दूसरी ओर गौ संरक्षण के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की योजना को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो जखा गौशाला का बताया जा रहा है। इस वीडियो पर सवालात खड़े होते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से जिले के अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो की जांच कराई जाए। अगर वीडियो सही पाया जाए तो इसमें जो दोषी हों उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।